पराली के मुद्दे ते हुण सियासत दा सेक लगातार वधदा जा रहा है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों इल्जाम लगाए जाण तों बाद हरियाणा ते सीएम मनोहर लाल खट्टर वल्लों भी हुण इस ते जवाब दिता गया है। मनोहर लाल खट्टर दा कहना है कि भगवंत मान वल्लों हर चीज ते सियासत करन दी कोशिश कीती जांदी है, सियासत करन दी थां ते ओह आंकड़ियां ते नजर मारन। उन्हां वल्लों इह वी दावा कीता गया है कि हरियाणा विच इस बार पिछले साल दे मुकाबले 25% घट पराली साड़ी गई है, जदों कि पंजाब विच पिछले साल दे मुकाबले इस बार 20% पराली ज्यादा साड़ी गई है। ते नाल ही उन्होंने ए भी दावा किया है कि भगवंत मान लगातार इस मुद्दे ते जानबूझ के सियासत कर रहे ने। ते उधर कल मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों केंद्र सरकार ते इल्जाम लगाए गए सी। उन्होंने कहना है कि जानबूझ के बीजेपी किसानों नूं टारगेट कर रही है, किसानों तो बदला लेना चाहती है। ते उन्होंने कहा सी राजस्थान हरियाणा की थां ते दिल्ली अते पंजाब नूं ही क्यों टारगेट किया जा रहा, उत्तों ही सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, जिस तों बाद हुण हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर वालों भी इस ते जवाब दिता गया। देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री ये कुल मिलाकर के हर चीज में से राजनीति ढूंढते हैं। मेरा इनको कहना यह है कि इस प्रकार के विषयों में जो एक सार्वजनिक तौर पर जिन चीजों को हमको काम करना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए, वो एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक बातें बोलते हैं। तथ्य है, अब हरियाणा मान लो कोई काम अच्छे कर रहा है तो हरियाणा में अपने हिसाब से बोलेंगे। उनको पीड़ा ये होती है कि हाँ हरियाणा के लोग अपने शायद गलत बोल रहे हैं, हम ठीक बोल रहे हैं, इस प्रकार का नहीं है। मैंने पहले भी कहा, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हरियाणा के पिछले साल की अपेक्षा जितने भी पराली जलाने के आंकड़े थे सेटेलाइट बताता है, हम नहीं बताते। हमारे 25% आंकड़े कम हुए हैं, यानी पिछले साल की घटनाएं अगर मैं देखता हूं तो वो यानी 25% कम होकर के सिर्फ 2249 घटनाएं अब सामने आई हैं, जो पिछले साल 25% उसे कम है। और अगर पंजाब की घटनाएं मैं इस समय जो सेटेलाइट बता रहा है वो पिछले साल की घटनाओं से उनमें 20% बढ़ोतरी हुई है, यानी कुल मिलाकर 21,500 घटनाएं हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सेटेलाइट के आंकड़े हैं, वो छापते हैं, वो देते हैं, और इसमें उनको तकलीफ होगी। मैंने परसों 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दी है, वास्तव में तो मेरी उस स्टेटमेंट के कारण से उनको परेशानी हुई है, मैं उसमें क्या करूं। और हम तो किसानों को भी पराली न जलाने के लिए कितना प्रोत्साहन देते हैं, 1,000 रुपया प्रति एकड़ हम किसान को देते हैं। और अभी हमारे आगे की योजना तो और है कि सब पराली जितनी भी है वो किसान बेचे जलाए नहीं, और उसकी बिक्री की व्यवस्था हमारे 24 उद्योग ऐसे हैं जो सहमति दे चुके हैं कि हम पराली खरीदेंगे। हम एक एक जिले में उसका कमांड एरिया बना